आज हम लोग हैं यारोस्लाव द वाइस नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, बॉयज विंग्स में। हम लोग आपको हॉस्टल के कुछ कमरों में लेकर जाएंगे, बच्चों के कमरे बताएंगे किस तरीके से होते रशिया में गवर्नमेंट हॉस्टल्स। आइए देखते हैं। कमिंग। सो ये कंप्लीट फ्लैट है जहां पर एक वो वाला बताइए, दो तीन और चार कमरे हैं। ये पड़ोसी है नताशा, दोबारा उतर मुझे खाता दे ला। आइए हम इस रूम में आते हैं। ये मनीष है, हाउ आर यू मनीष? आई एम फाइन भैया। आशुतोष, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो आशुतोष मनीष आप लोग बताएं कुछ आपके हॉस्टल के बारे में और आपकी पढ़ाई के बारे में। आप लोग आपका लंच कर रहे थे, सॉरी मैंने आपको नहीं, नहीं कोई बात नहीं, लंच कर रहे थे अभी हम लोग। तो लंच से मैं आपको बताऊं, ये आपने इंडियन मेस हमारी ज्वाइन की हुई है जी, आप आपके इंडियन मेस के बारे में बताएं, इंडियन मेस की फैसिलिटीज कैसी है मनीष प्लीज? इंडियन मेस बहुत अच्छी है, यहाँ की सभी इंडियन फूड है और फूड एकदम अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा फूड है, सभी चीजें खाने को मिलती है, हमारी मेन्यू अच्छी है बहुत, बाकी सब बढ़िया है। मैं अभी रशिया में 12 बजे का समय हो रहा है, बच्चे अपना लंच कर रहे हैं, इंडियन मेस से खाना मिलता है, सब कुछ बढ़िया एकदम। ओके, मनीष आपकी क्लासेस के बारे में बताएं। क्लासेस हमारी लगती हैं, हम जाते हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी भी ज्यादा दूर नहीं है अच्छी। क्लासेस हमारी एनाटॉमी की लग रही है अभी और सभी तो क्लासेस लग रही है। शायद से आशुतोष एनाटॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं राइट? हाँ, ये हम पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद अभी लंच का टाइम हो गया। तो ये एक बेसिकली टू सीटर रूम है आपका राइट, बॉयज विंग के अंदर? जी भैया। तो आपने आपके दोनों के बेड ज्वाइन कर लिए फॉर योर कम्फर्ट, वरना ये बेड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, एक बेड यहाँ पर और एक बेड यहाँ पर। हर बच्चे को रूम में स्टडी टेबल दिया जाता है, चेयर्स दी जाती है, आप एक बार कबर्ड बताइए, कबर्ड दिया जाता है, रूम में हीटर से हीटर एक बार आप बताएं, ये हीटर से जो ठंड से बचाव के लिए होते हैं, आप एक बार बाहर का बताएं। बाहर के टेम्परेचर से रूम का टेम्परेचर एकदम डिफरेंट है, एक्चुअल में अभी विंटर चल रहे हैं, सो ठंड यहाँ पर -3-4 डिग्री के आसपास है, बच्चों को कमरे में गर्म महसूस होने के लिए ये हीटर्स का प्रयोग किया जाता है। वॉलपेपर्स, फर्नीचर, फर्निशिंग यूनिवर्सिटी ने इंडियन छात्रों के लिए सभी नई की गई है, तो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है। किसी हाल से आशुतोष आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट हॉस्टल है, आपके फर्नीचर फर्निशिंग सारी चीजें देख के आपको सुविधा कैसी है? सुविधा तो अच्छी है और ऐसा लगता नहीं है कि हम ऐसा गवर्नमेंट हॉस्टल में है इस वक्त, और जैसे वॉशरूम वगैरह है भी सब क्लीन है और कहीं ना कहीं ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वैसा ही रखना जैसा है। तो एकदम बहुत ही सही बात की आपने आशुतोष। तो सारी चीजें जैसे आपने देखी रूम में अवेलेबल है, हॉस्टल में सारे रूम टू सीटर अवेलेबल है, एक फ्लोर के ऊपर 4 से 5 रूम है। पास में जैसे अपन ने देखा इनके नेबर्स कुछ रशियन है, तो वो इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यूनिवर्सिटी का वर्किंग स्टाफ भी स्टूडेंट्स के साथ ही रहता है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट्स को कुछ तकलीफ होती है तो उनके टीचर्स उनको हेल्प करते हैं। आइए हम आपको बाहर का बताते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, प्लस बच्चों ने इंडियन मेस की फैसिलिटी ली हुई है, मगर हमारे पास इसी फ्लोर पे हर फ्लोर पे हर कंपार्टमेंट के अंदर एक किचन अवेलेबल है जहाँ पर बच्चे खुद कुकिंग कर सकते हैं, किचन विथ स्टोव विथ ओवन, अगर बच्चे चाहे कि किसी दिन उनको खुद कुक करना है तो दे कैन फॉर श्योर। तो आइए हम आपको बाहर का बताते हैं, मनीष आशुतोष हम लोग आते हैं। आप फ्लोर देख रहे हैं, बिल्कुल ही वुडन फर्निशिंग का ये फ्लोर है, जो कि इंडियन छात्र आने वाले थे इसी करके गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटी ने इसको सब रिन्यू करवाया है। ये फ्रिज आप देख सकते हो जहाँ पर बच्चे अपना कोल्ड स्टोरेज, अपनी सारी सामान रख सकते हैं, अपने खाने का सामान रख सकते हैं। आइए हम आपको वॉशरूम की ओर ले चलते हैं। ये एक वॉशरूम है बाहर से ही लो, जहां पर बच्चे अपना नहाने का कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन आप बताओ, बच्चों के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की सुविधा दी गई है।
यहाँ पर आई गेस टॉयलेट है, ये टॉयलेट है बच्चों के लिए। आइए किचन बताते हैं आप लोग को। सो यहाँ पर हमारे नेबरिंग जो है ये कुक कर रहे हैं। सो ये किचन है, प्लस ये भी एक इसके ऊपर स्टोव है। तो इस कंपार्टमेंट में टोटल चार रूम्स है। चार रूम्स में से दोनों रूम्स में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं और बाकी के दो रूम्स में इनके टीचर्स रहते हैं। तो इन चार रूम के लिए आपने देखा एक वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, बाथरूम की फैसिलिटी है, प्लस आपको दो स्टोव दिए गए हैं और ये वॉशिंग एरिया बताइए जहां पर बच्चे अपने प्लेट्स धो सकते हैं। सारी चीजें हमारे हॉस्टल में अप टू डेट है। वो सारी चीजें हमने देखी। इस फ्लोर पे चार फ्लैट्स हमने देखे, एक फ्लैट बताना आपको बाकी है, शायद से स्टूडेंट्स बाहर गए कुणाल और तेजस सामने वाले, राइट? ओके, तो हमने आपको इस फ्लोर के चारों फ्लैट्स बताए। फ्लैट इन शॉर्ट एक रूम जिसको हम कहते हैं, तो एक रूम में दो बच्चे रहते हैं। ये चार रूम्स इस फ्लोर पे है। चार रूम के लिए वॉशिंग मशीन दिया गया है, वॉशिंग एरिया दिया गया है, किचन दिया गया है, वॉश फ्रिज दिया गया है, सारी चीजें है, वेल फर्निश्ड है। आइए हम अनुमति चाहेंगे आपसे, आशुतोष और मनीष आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और आपकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बताइए, पढ़ाई एकदम ठीक है? पढ़ाई ठीक चल रही है, सब कुछ। यूनिवर्सिटी में सारी फैसिलिटीज, यहाँ पर आपको एनाटॉमी हॉल में कैडेवर पे पढ़ाया जाता है, हमें स्पेसिमेंस दिखाए जाते हैं, ह्यूमन स्पेसिमेंस, रियल एकदम, ऐसा नहीं है कि मतलब डमी हो या कुछ, रियल होता है सब कुछ। और सारे बच्चे साथ में रहते हैं, हमारे पास महाराष्ट्र से बच्चे हैं, यूपी से बच्चे, मनीष आशुतोष यूपी से है, सामने के कमरे में कुणाल तेजस रहते हैं, वो महाराष्ट्र से है, वी हैव गुजराती चिल्ड्रंस आल्सो, तमिलियन स्टूडेंट्स आल्सो। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स बाहर गए हुए हैं, हमने उनको कॉल करके उनकी परमिशन ली है। एक बार हम आपको उनका कमरा भी दिखा देते हैं किस तरीके से है। ये सेकंड रूम है, ये टू सीटर है, इन्होंने अपने बेड्स ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो एक बेड ये रहा, एक बेड ये रहा। आप इनके कबर्ड्स बताइए। ये एक कबर्ड है, ये सेकंड कबर्ड है, और ये इनका स्टडी टेबल है बच्चों का। हर कमरे में एक विंडो है जहां से आप बाहर का व्यू दे सकते हैं, प्लस ये सारा फर्नीचर इंक्लूडिंग द स्टडी टेबल्स, इंक्लूडिंग द मैट्रेस, बेड, पिलो, पिलो कवर, बेड शीट्स, कबर्ड्स, लाइटिंग्स, फ्लोरिंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम सब आशा करते हैं कि ढेर सारे इंडियन बच्चे और यूनिवर्सिटी में आए, आपका MBBS रशिया से करने का जो ड्रीम है उसको फुलफिल करें। मैं आपसे आग्रह चाहूंगा। थैंक यू।